नवरात्र के पावन अवसर पर दिनांक 1 अक्टूबर 2022 शनिवार के दिन मानव कल्याण एवं ज्योतिष आध्यात्म केंद्र का हुआ उद्घाटन। इस खास मौके पर समाज कल्याण में भागीदारी निभा रहे कई दिग्गज व्यक्ति उपस्थित रहे। क्रांतिकारी संत महामंडलेश्वर स्वामी हेश्वरनाथ जी महाराज जी के पावन सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भगत चंद्र हॉस्पिटल के डायरेक्टर सीएम भगत उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में बॉलीवुड एक्टर आदित्य प्रताप सिंह रघुवंशी उपस्थित रहे। इसी के साथ मानव कल्याण एवं ज्योतिष आध्यात्म केंद्र की अध्यक्ष ललिता चौधरी जी, आचार्य श्री विकास भाई गुरु जी, विशिष्ट अतिथि सीए राजपाल सिंह सोलंकी जी, निष्ठा ध्वनि के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप कुमार चौहान जी, मीडिया पंचायत से हरि प्रकाश पांडे जी एवं कई अतिथि गण उपस्थित रहे। आइए, यहां आए कुछ अतिथियों से हमारी संवाददाता आरती सिंह ने कुछ खास बातचीत की, उसकी प्रस्तुति हम आपको दिखाते हैं। कल्याण ज्योतिष एवं अध्यात्म केंद्र आज का उद्घाटन हुआ, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मानव कल्याण ज्योतिष अध्यात्म केंद्र का गुरुग्राम की पावन धरा पे आज उद्घाटन हुआ है। मानव के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, इसके लिए मैं आचार्य श्री विकास जी को बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने राष्ट्रित और धर्मो रक्षति रक्षिता का जो सूत्र है उसका पालन करते हुए गुरुग्राम की पावन धरा पे इसका आपने आज उद्घाटन हम लोगों से कराया, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और ये मानव के उत्थान के लिए है और मैं चाहूंगा सभी लोग इस आध्यात्म केंद्र से जुड़े और ज्योतिष के माध्यम से ज्योतिष को जाने, ज्योतिष है क्या बेसिकली, और ज्योतिष की जो रियलिटी है वो आपको यहाँ आध्यात्म केंद्र में मिलेगी। यहाँ आए और अपने भाग्य को उज्ज्वल करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। मानव कल्याण ज्योतिष केंद्र जैसा कि नाम रखा गया है, इसमें मानव का कल्याण कैसा होगा, विकास जी ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। मानव का कल्याण धर्म से ही संभव है, क्योंकि सुखस्य मूल धर्म, और मनुष्य सुख के लिए भटक रहा है, दौड़ रहा है, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, राजनीति में सफलता के लिए, परिवार के एक सेटलमेंट के लिए, क्योंकि आज ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पढ़े लिखे समाज में परिवार अनसेटल्ड होते जा रहे हैं, जो ईगो क्राइसिस चल रहे हैं उसमें हमारे ग्रहों का गोचर और ज्योतिष के द्वारा जो मार्गदर्शन है उसको प्राप्त करके ही मानव का कल्याण हो सकता है। तो यदि हमें ये ज्ञात होगा कि आने वाला समय या आने वाला जो हमारा ग्रह दशा है वो दशा हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो हम मैच्योरिटी के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर हम उसको इग्नोर करके उन आपतों से, विपत्तियों से बचाव कर सकते हैं। तो सुखमय जीवन के लिए ज्योतिष का और आध्यात्म का समावेश करना ही इस मानव कल्याण सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य से हम गुड़गांव के इस पावन धरा पर हम लोगों के लिए ये विशेष प्रयास कर रहे हैं कि वो एक वैज्ञानिक पद्धति के साथ धर्म को समझें, ज्योतिष को समझें और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त हो करके आनंदित हों, सुखी हों, कल्याण को प्राप्त करें। हमारे साथ डॉक्टर सीएम भगत चंद्रा जी जुड़े हुए हैं। आप मेडिकल फील्ड से हैं और यहाँ पर आध्यात्म केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जहाँ पर आपको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, यहाँ पर आपको आगे कैसा लग रहा है? देखिए, ये है मानव कल्याण केंद्र, ठीक है ना। मैं मानव हूँ और मैं सेल्फिश भी हूँ, और मैंने कहा कि मुझे खुशी बांटनी है। अगर किसी भी प्रयास से अगर मानव का प्रसन्न को प्रसन्न किया जा सके, खुशी बांटी जा सके, तो खुशी मेरे पास वापस आए, तो इसीलिए मैं जुड़ा हुआ इसके साथ। अभी बात की थी ना हमने कि खुशी बांटने की चाह है, ठीक है। तो ये जो उद्घाटन का पूरा कार्यक्रम हुआ, ये आपको कैसा लगा? अच्छा है। देखिए, हर प्रयास, एक ही प्रयास से सारे काम नहीं हो सकते, और तरह तरह के प्रयास होते रहते हैं, ये भी एक प्रयास है, और आगे देखिए इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। बॉलीवुड और एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। मानव कल्याण ज्योतिष एवं आध्यात्म केंद्र का उद्घाटन हुआ, जहाँ पर आपको विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पे आपको आकर कैसा लगा? यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा अनुभव पहले भी आध्यात्म में बहुत अच्छा है, और मैं
बचपन से ही शायद आध्यात्म में जुड़ा हुआ हूँ जी। और बाकी आप सभी को जैसे पता है कि एक कलाकार की हैसियत से, एक फिल्म निर्माता की हैसियत से हमें तो दुआओं की हमेशा आवश्यकता पड़ती रहती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं है इसलिए फिल्में फ्लॉप हो रही हैं या आपका कैरियर नहीं चल रहा है, तो आध्यात्म दृष्टिकोण से हम तो जुड़े ही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश में एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो भ्रम है वो थोड़ा सा दूर हो, क्योंकि एक ये मैथमेटिक गणना है जो आने वाले भविष्य पे लोगों के सामने जरूर आएगी, लेकिन इसकी अवेयरनेस अभी से बहुत जरूरी है। जैसे वैदिक गणित है, तो वैदिक गणित अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो वो कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेता है। ये मैं केवल आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो आध्यात्म से दूरी ना बनाए, उसके करीब जाए, उसको जानने की कोशिश करें, और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं मानव कल्याण संस्था को जिन्होंने एक नेक कार्य हेतु इस संस्था का निर्माण किया और कार्य किया और उसका हमें भागीदार बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कार्यक्रम बहुत अच्छा था और हम लोग चाहेंगे कि ऐसे ही आध्यात्मिक कार्यक्रम लगातार होते रहे, धन्यवाद। अब हमारे साथ जुड़ चुकी है मानव कल्याण ज्योतिष एवं अध्यात्म केंद्र की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे लगता है मुझे आपसे बेहतर इस केंद्र के बारे में कोई नहीं बता सकता, तो सबसे पहले तो आप मेरे दर्शकों को इस केंद्र के बारे में बताएं। एक्चुअली हमारी एक मानव कल्याण सोसाइटी के नाम से एक संस्था हमने चलाई है, जिसके अंदर हम 5 स्टेट के अंदर हमारी इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्थानों पे इसकी ब्रांचेस हैं और इसकी 23 ब्रांचेस ऑलरेडी चल रही हैं। और यहाँ पर हम हर ब्रांच के अंदर एक अलग कॉन्सेप्ट लेके काम करते हैं, क्योंकि हम जहाँ भी ब्रांच बनाते हैं हम उस एरिया में देखते हैं कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है हम उसमें काम करते हैं। तो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी हमारी इसकी ब्रांचेज हैं, वहाँ पर हर जगह अलग है। जैसे खोड़ा कॉलोनी में हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, कहीं पर हम सिलाई केंद्र का है, कहीं पर हमारा बच्चों को स्लम एरियाज के बच्चों को एजुकेट करने का है, कहीं वुमेन्स को स्किल डेवलपमेंट्स का है, कहीं हमारा लीगल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है हमारा, कहीं पर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर हम काम करते हैं, कहीं पर्यावरण पे करते हैं। तो हम ऐसा उसी इलाके में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम उसी के अकॉर्डिंग हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने अभी ये देखा कि जैसे पैंडेमिक टाइम आया तो हमें ये लगा कि बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए और उन लोगों को अपना फ्यूचर ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, और धीरे धीरे उन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगी। तो हमने उनका मार्गदर्शन करने के लिए कि कम से कम अगर हम उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे और उन्हें हम एक डायरेक्शन दे दें तो उससे क्या है उनको जीवन जीना आसान हो जाएगा। तो हमने उसी के लिए ये ज्योतिष केंद्र का आरंभ किया, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा गणित है जिसके अंदर हम उनको एक अच्छी सी अगर हमने उनको गणित का जो ज्ञान दे दिया और उनको एक डायरेक्शन दे दी तो शायद उनका जीवन जो है वो बहुत इजीली आगे बढ़ सके। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मानव कल्याण ज्योतिष एवं अध्यात्म केंद्र के प्रांतीय हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष जो कि एक सीए भी हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी पूरा जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है आज उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए काफी समय से हमारे हरियाणा में दिमाग में हमने डिस्कस किया था, शुरू करना था कि कोई कार्यक्रम शुरू किया जाए, कोई ऐसा मतलब ज्योतिष के बारे में या आध्यात्मिक केंद्र के बारे में शुरुआत की जाए। तो ललिता चौधरी जी से बात हुई और अन्य साथियों से बात हुई, उसके बाद हमने तय किया कि गुड़गावन जो है गुरुग्राम में ये जो है इसका शुरुआत करते हैं। तो आज उसका उद्घाटन किया है और सब लोग आए हैं, ललिता जी भी आए, महाराज जी भी आए, भगत जी भी आए, तो शुरुआत है। ज्योतिष के बारे में ज्ञान भी देंगे लोगों को और यहाँ पर कोचिंग भी देंगे और ज्योतिष के बारे में बताएंगे। और किस किस मुद्दों पे ये संस्था काम करेगी? उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, चाइल्ड वेलफेयर है, उसके बाद गरीब का उत्थान है, उसके बाद लीगल एड का भी है और उसके बाद मेडिकल एड का भी है, बहुत सारे उद्देश्य है। सर आप उद्घाटन समारोह में आ जाए, उद्घाटन समारोह में आपका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म, इसको बचाने का जो संकल्प मानव कल्याण सोसाइटी ने लिया है, निश्चित रूप से मानव कल्याण सोसाइटी बधाई की पात्र है, क्योंकि आज तीनों चीज पर बहुत खतरा है। अगर हिंदू खतरे में आया, सनातन खतरे में आया, तो भारतीयता खतरे में आया। इस संस्था से मैं जब से जुड़ा हूँ तो निश्चित रूप से संस्था मानव कल्याण जैसे इसका नाम है उसी अनुसार ही काम कर रही है। ये चाहे कानूनी लोगों को निःशुल्क राय देना हो, शिक्षा की व्यवस्था करनी हो, चिकित्सा की व्यवस्था करनी हो, इसके अतिरिक्त
और बहुत सारे प्रकल्प, चाहे वृक्षारोपण है और अभी गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इस संस्था द्वारा होमगार्ड्स विभाग के जवानों को, लगभग 300 जवानों को चिकित्सा शिविर लगाया गया जिसमें 7 प्रकार के बड़े टेस्ट कराए गए और संस्था द्वारा लगभग 2.5 लाख रुपए की निःशुल्क दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध कराई गई होमगार्ड्स के जवानों को। तो इस संस्था वास्तव में मानवता के लिए, कल्याण के लिए कार्य कर रही है। और इस संस्था, ये संस्था एक और संस्था का बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अभी तक इस संस्था को सरकार द्वारा कोई एड नहीं है, ये संस्था स्वयं या अपने जो सहयोगी हैं उन्हीं से सहयोग लेकर के कार्य कर रही है और निश्चित रूप से बधाई की पात्र।